दोस्तों मैं प्रभुनाथ पटेल बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएसयू। दोस्तों मेरा नेट भी क्वालिफाइड है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का डिटेल टॉपिक्स। उसके अंदर हमको क्या, मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में, बताया था कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और अकाउंटेंसी में हमको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है यह भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख कर आइए, तभी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो टॉपिक है अकाउंटेंसी, जो आज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने यह मटेरियल अपना तैयार किया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको यह बीएसयू बीकॉम के एंट्रेंस में तो काम आएगा, आप फ्यूचर में अगर सीएससीएस करने जाओगे वहाँ भी काम आएगा, और आप एमकॉम का प्रिपरेशन करोगे फ्यूचर में वो भी काम आएगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा कंप्लीट, यहाँ पे आपको ये नॉलेज मिलेगा, तो हमेशा काम आएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो अकाउंटेंसी जो टॉपिक है, आपको मैं थोड़ा पढ़ाने से पहले इसके पूरा बारे में बता दूं कि हाँ अकाउंटिंग क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों अकाउंटिंग करते हैं हम, क्या रीजन था, क्या बिना अकाउंटिंग के हम लोग नहीं जिंदा रह पाए, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, एक क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। बिकॉज अगर हम जब साइंस पहली बार पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है ना कि हाँ ये अच्छा ये चीज़ है, इसमें साइंस में हमको पढ़ता है, हम आर्ट पहली बार पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। तो उसी तरीके से जब हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो उस अकाउंटेंसी का हमको मीनिंग तो समझ में आएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन क्यों आया ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूं छोटा सा, कि पहले होता क्या था कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होकर के लोग अपना काम चला लेते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो बार्टर सिस्टम में भी बहुत सारे लिमिटेशन थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हॉर्स है, मतलब कोई घोड़ा है हमारे पास, उस घोड़े के बदले हमको सपोज करो कि घोड़े की वैल्यू है, उसे हम ज्यादा चीज ले सकते हैं, बट हमको कम चीजें की जरूरत है, तो क्या हम घोड़े को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी, या फिर जो हमारी मन मुताबिक चीजें हैं वो हमको नहीं मिलती थी, कि सपोज करो हमको वीट चाहिए और हमारे पास राइस है, तो हमको ऐसे पर्सन की तलाश करना पड़ता था कि जो हमारा राइस लेकर हमको वीट दे। हो सकता है उसके पास वीट हो बट वो वीट न लेकर कोई दूसरा, उसको मान लो ग्राम चाहिए, मान लो चना चाहिए, तो हमारे पास तो क्या था, राइस था। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, तो मनी का ओरिजन हुआ, तो फिर वो अलग चीज मैटर है, हम लोग मनी में वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे ओरिजन हुआ उसको ध्यान से देखना होगा। तो लोग क्या हो कि जैसे जैसे फिर मनी का ओरिजन हुआ लोग, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, सिविलाइजेशन आया, ठीक है, लोगों के पास दिमाग अच्छे आने लगे, उसके बाद वो लोग फिर देखने लगे कि एक जगह पे लोग रहने लगे। पहले क्या होते थे, जंगलों में लोग रहते थे, तो एक जगह पे जब लोग रहने लगे फिर आपका शताब्दी चलने लगा, फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके बहुत सारा चीज। तो लोगों के माइंड में जब 1400 के पार, मतलब कि 15th सेंचुरी जब चल रहा था, 15th सेंचुरी, तो एक पर्सन थे लुकास पैसियोली, ठीक है, एक पर्सन थे लुकास पैसियोली। उन्होंने देखा कि जितने सारे ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जिससे वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में मूवमेंट हो, चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसमें डिटेल जब पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन इवेंट, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वो अलग मैटर है, उसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो लुकास पैसियोली ने देखा है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, कोई आपस में झगड़ा कर ले रहा है कि हम तुमको पैसा, बोलता है कि नहीं दिए थे, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। फिर उसके बाद किसको कितना पैसा देना है सबको याद नहीं हो पाता था, तो बहुत डिस्प्यूट होते थे। तो उन्होंने, अब यहाँ पे डिटेल हम पढ़ेंगे, उसके पहले आपको मैं ऐसे कहानी बता दे रहा हूँ। तो लुकास पैसियोली का जन्म हुआ था 1445, मतलब 1445 में, वह इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस सिटी के, और उन्होंने एक बुक लिखा था सुम्मा दे अरिथमेटिका, उन्होंने बुक लिखा था सुम्मा दे अरिथमेटिका, जो कि मैथमेटिक्स की बुक थी, मैथमेटिक्स अकाउंटिंग, वो लगभग 650 से ज़्यादा पेज का बुक था, 150 पेज तक तो उन्होंने मैथ लिखा है। उसके बाद उन्होंने एक सेक्शन लिखा 8वां चैप्टर में, जिसको हम डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस के नाम से भी उस सेक्शन को जानते हैं। उसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स लिखा था, जो बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन, सॉरी जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस, कि हर एक ट्रांजेक्शन जो होंगे कि
किसी को प्लस हो रहा था, किसी को माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब जो रूल्स उन्होंने लिखा था उस समय जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस की तरह था, फिर धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट होकर आज के जो मॉडल में हमको देखने को मिलता है वो अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सबसे पहले कि फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फादर का नाम क्या था, लुकास पैसिओली। उनका जन्म कब हुआ था, 1445 में हुआ था, और वो रहने वाले कहाँ के थे, इटली के वेनिस सिटी के रहने वाले थे, और उनकी बुक का नाम था सुम्मा दे अरिथमेटिका, जो कि मैथमेटिक्स की बुक थी, और पब्लिश हुआ था 1494 में, ठीक है। तो अब फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लुकास पैसिओली। बिकॉज हमको देख रहे हैं यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें रटना भी पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें हमको लर्न तो सीखने को तो है ही, बेसिक नॉलेज तो हमको लेना है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको लर्न करना होगा, मतलब बस आपको याद कर लेना होगा। जैसे आप इसमें लुकास पैसिओली के नाम को तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि समझने की जरूरत है, वो किस सन में पैदा हुए थे, इसको भी आपको रटने मतलब कि समझने वाली कोई चीज़ नहीं, आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट होंगे जो कि हम बार बार उसको बस लर्न करेंगे जिससे वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन थे, लुकास पैसिओली। उनका जन्म कब हुआ था, 1445 में, ठीक। और रहने वाले कहां के थे, इटली के बेनिस सिटी में। उन्होंने बुक क्या लिखा था, सुम्मा दे अरिथमेटिका, जो कि मैथमेटिक्स की बुक थी। किस ईयर में पब्लिश हुआ था, 1494 में, इसलिए 1494 में ही डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन माना जाता है इसी को, जैसे 1494 में। और जो पब्लिशर था, जो बुक को पब्लिश किया था, उस पब्लिशर का नाम था पेगा नाइन एंड पेगा नीनी, ठीक। पब्लिशर का नाम क्या था, पेगा नाइन एंड पेगा नीनी। और वह कितने पेज की बुक थी, मैंने शायद 650 बोला था, बट वो कितने पेज की बुक थी, 615 पेज की थी, जो कि 150 की स्टार्टिंग तक तो उन्होंने क्या लिखा था, मैथ टोटल, और 150 के बाद जो उन्होंने स्टार्ट किया था, आठवां सेक्शन स्टार्ट हुआ था, जिसको 8th चैप्टर ऑफ दिस बुक रिटेन रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट, मतलब जो आठवां चैप्टर्स उन्होंने स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का रूल्स लिखा था, जिसको हम के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब देखो इतने से ही हमको बहुत सारा क्वेश्चन जो बीएचयू बीकॉम और एमकॉम और आप जनरली कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो मैक्सिमम यही चीजें हमको नहीं पता होता है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लुकास पैसिओली, ठीक। कब पैदा हुए थे, 1445 में, मतलब 1445 में। और रहने वाले कहां के थे, इटली के बेनिस सिटी के। और उन्होंने बुक क्या लिखा था, सुम्मा दे अरिथमेटिका, जो कि आप कभी कभी किसी बुक में देखोगे उनकी बुक का नाम डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चीज, वो बात सही है, बट ध्यान रखना टोटल जो कंप्लीट बुक थी उसका पूरा नाम था सुम्मा दे अरिथमेटिका। उसमें जो आठवां सेक्शन था वह था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चीज, उसमें उन्होंने डबल इंटर सिस्टम का रूल्स लिखा था, जहां पे कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट, डबल सिस्टम क्या बताता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट तो अनदर इज क्रेडिट। तो उन्होंने बताया कि हर एक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यह वीडियो छोटा ही रहेगा बिकॉज इसमें बस हमको एज ए नॉलेज के पर्पज से जानना था, और नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम लोग डिटेल चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। अपने प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है जो टेक्निकल टीम ने आपको नंबर प्रोवाइड किया है उस नंबर पर अपने डाउट को आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।